गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आई होप मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको। यस सर। चलिए तो बेटा क्विकली फटाफट से एक रिकैप देखते हैं जल्दी से। हमने प्रीवियस क्लास में मेनली बेटा जो काम शुरू किया था वो अपन ने शुरू कर दिया था प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स पे, दैट हाउ वी प्रिपेयर कोलोइड पार्टिकल्स, करेक्ट। तो उसमें थ्री मेथड्स हमने देखे थे बेटा। एक था हमारे पास में केमिकल मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। द सेकंड वन वॉज केमिकल मेथड बेटा में सिंपल था, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन टाइप्स थे और उनसे प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपके पास में कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाएंगे, उनमें से कोई एक या दो हो सकता है कोलोइडल स्टेट में आ जाए, कोलोइड्स की साइज में आ जाए। तो जैसे ये सल्फाइड सोल बेटा आर्सेनिक सल्फाइड है, गोल्ड सोल सल्फर सोल को और आयरन से रिलेटेड हो गया बेटा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से बनने वाला। तो बेसिक चीज है, मैंने बोला था रिएक्शन से याद रखनी है बट कीप इट ऑन सेकंड प्रायोरिटी, पहले बेसिक बेसिक और चीजें आनी चाहिए हमें। सेकंड वन यदि आपको रिमेंबर हो बेटा, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। क्या होता था यहाँ पे, हम मेटल को रखते थे यहाँ पे लिक्विड में लेट्स और बहुत हाई पोटेंशियल ड्रॉप लगा के बेटा इलेक्ट्रिक स्पार्क और बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करते थे। तो उसकी वजह से बहुत हाई हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता था और वो हीट इतनी इनफ होती थी दैट कैन वेपोराइज द मेटल। तो मेटल यहाँ से वेपोराइज होकर उड़ना चाह रहा था, साइड में आइस बाग था, आइस की वजह से बेटा जैसे बाहर मेटल के पार्टिकल्स निकले वो थोड़े से ठंडे हो गए और आइस के पार्टिकल्स जैसे ही ठंडे हुए आपको पता है कि आगे क्या हुआ, सिंपली वो क्या हुए कि आपके वेपर बन के वापस, सॉरी बेटा, कंडेंस होके पानी में गिरे और धीरे धीरे थोड़ी देर में जैसे लिक्विड है तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो फाइनली दैट बिकम सॉलिड पार्टिकल बट दे आर वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग लाइक दैट, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स बनेंगे वो कोलोइड की शेप में आ जाएंगे, कोलोइडल साइज में आ जाएंगे। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट स्पेशली बेटा, दिस इज अ वेरी स्पेशल मेथड फॉर क्रिएटिंग द सोल्स ऑफ नोबल मेटल्स और लेट्स से वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। ये ऐसे है जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इनको नोबल मेटल भी बोला जाता है बेटा बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम लंबे समय तक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बेटा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं जैसे हम घर में लाते हैं। गोल्ड जनरली खराब नहीं होते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, लश्चर होता है और आप कह सकते हो बेटा कि काइंड ऑफ मतलब उसको दूर से भी मतलब उसका अपियरेंस अच्छा रहता है। बट व्हाट इज द वन ऑफ द बेस्ट रीजन, वो जल्दी बेटा किसी से रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज को लूज आउट नहीं करते हैं, इसलिए गोल्ड को प्रिफर किया जाता है आपके जो भी आप बनाते हो मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह। आई होप दैट्स क्लियर। Yes, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें है बेटा, बेसिक बेसिक चीज बस ध्यान में रहनी चाहिए, दैट्स इट, उससे सारी चीजें हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट बेटा। सो इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन ब्रेडिक्स आर्क मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैस किन किन के लिए यूज होता है और हम किस तरह से इसको काम में ले सकते हैं, ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सके, काम में ले सके बेटा। सो आई होप दैट मेक सेंस, क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है, और बच्चे तो बात भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है, एकदम बिल्कुल इसे शांति से बैठे रहते हो। एनीवेज आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना। थर्ड मेथड कौन सा था बेटा हमारे पास में, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हमने क्या देखा कि पेप्टाइजेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेसिपिटेट से कोलोइड बना देना, मतलब एक प्रेसिपिटेट था आपका, प्रेसिपिटेट आई होप हम सब जानते हैं, हम वैसे भी पता है बेटा हमें कि किसी चीज़ को मिलाएंगे और वो नीचे जैसे बैठ जाए बेटा, तो दैट इज काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यदि प्रेसिपिटेट से हम कोलोइड बना दें तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज पेप्टाइजेशन। इफ यू एट ऑल कैन फ्रेम ए कोलोइड सब्सटेंस
यूजिंग प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट स्टेट से हम कोलोइड में बनाते हैं, दैट वी विल कॉल एज पेप्टाइजेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा। इस पेप्टाइजेशन को करने में जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स यूज आते हैं और इनको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये कैसे यूज आते हैं या ये किस तरह से वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा हम आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं। हम अगली बार इसको सीखेंगे कि ये किस तरह से वर्किंग है, किस तरह से इनकी प्रोसेस होती है। मतलब आज ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ज पे जब बात करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है हम लोगों को। गुड, यस सर, पक्की बात है। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। सो तीन तरीके हमने सीखे उनको बनाने के। अब बेटा देखो, हमारे पास तरीका है, बना तो लिया हमने, तो कुछ वेज है जिनसे हम इनको प्योरीफाई करते हैं कि कोलोइड सॉल्यूशन जो बन चुका है बेटा उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि प्योरीफिकेशन नीडेड। हम कोई भी चीज बनाते हैं दुनिया में, हम आपने जैसे आईसीएसई वाले बच्चों ने तो 10th में मेटल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि अल्टीमेटली हम मेटल को निकालने के बाद उसको प्योरीफाई जरूर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंप्योरिटी होती है। एंड ट्रूली स्पीकिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मेटल या कोई भी सब्सटेंस 100% मतलब प्योर, है ना, वो बनता ही नहीं है। इवन विद द 12th क्लास के मेटलर्जी में हम सीखेंगे कि हम बहुत अच्छे मेथड्स भी यूज करें, देन दिट इज नॉट सर्टेनिटी कि वो बहुत अच्छा प्योर हो जाएगा। जैसे जॉन रिफाइनिंग हम देखेंगे बेटा 12th के में जब मेटलर्जी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया था मेटलर्जी, लेट से दिस ईयर क्या रहता है। सो फॉर द टाइम बिंग जैसे केमिस्ट्री में बेटा हम ये फॉलो करेंगे कि जो चैप्टर का चैप्टर प्रीवियस ईयर रिमूव कर दिया था तो वो अपन करंटली स्किप करके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है यदि इस साल भी कुछ चेंज होगा तो उनको कंटिन्यू शायद वही रखा जाएगा जो प्रीवियस ईयर रिमूव हुआ है। तो मेटलर्जी हम इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, होना तो चाहिए सर चेंज, है ना। सो लेट्स सी बेटा, है ना, अभी कुछ बोल नहीं सकते, बट जो यदि चैप्टर पूरा का पूरा हटाया तो उसको मैं पहले नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम कर भी ले और पता चले बाद में हट गया तो टाइम भी जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हटाया तो फिर बेटा करवाने का देखो मतलब नहीं रहेगा उसे हमें, है ना। कुछ पोर्शन हटता है चैप्टर से, दैट्स फाइन, वो तो वैसे भी पढ़ना ही है हमें, डजंट मैटर के हटाया ज्यादा नहीं हटा, क्योंकि थोड़ी सी चीज के लिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते ज्यादा। करेक्ट है बात, यस सर। तो उस पर बिटू आगे बढ़ाते हैं फिर। सो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स बेटा, तो किसी भी चीज़ को हम करें हम प्योरीफाई हमेशा करने की कोशिश करते हैं। तो कोलोइड हमने बनाना सीख लिया तीन तरीकों से। अब तीनों तरीकों से जो कोलोइड बन रहे हैं आप ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें खुद से समझ में आएगा। यहाँ जब कोलोइड बन रहा है तो मुझे इस कोलोइड को सेपरेट करना है पानी से, यहाँ भी देखो कोलोइड को पानी से सेपरेट करना है। यहाँ पे कोलोइड के साथ में मेरे पास एसिड, दो तरह के एसिड काइंड ऑफ मिले हुए हैं कोलोइड के साथ, यहाँ पे मेरे साथ में एसिड मिला हुआ है, तो इन चीजों को अलग करना पड़ेगा मुझे, तभी तो कोलोइड मेन मिल पाएगा मुझे। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो फिर से इसके पार्टिकल इसमें आके जमेंगे, तो उसको अलग करने की नीड पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा सब्सटेंस से मिला रहे हैं बाहर से, तो जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिला है इसको अलग करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें प्योर कोलोइड मिल सके। तो अब बनाने के लिए हमें क्या कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बेटा। हमने सुना होगा बिल्कुल बेसिक्स, क्या हम सब ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, तुम सब लोगों ने जितना मुझे आइडिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 क्या बनाएगा ये, ZnSO4 प्लस Cu, आपको सबको पता है। तो देखो बेटा यहाँ हमें कॉपर को, यदि कॉपर मेटल फॉर्म में चाहिए तो कॉपर की मेटल फॉर्म पाने के लिए हमें जिंक का बलिदान करना पड़ा, मतलब जिंक को यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब जिंक के यहाँ पे सेक्रीफाइस होकर कॉपर मिल रहा है। सो इट्स अ रिलेटिव थिंग, हमें कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ हमें यूज करना ही पड़ता है मेथड में। तो जैसे इन तीनों मेथड्स में हमने कोई ना कोई तरीका यूज किया है, हमें कुछ बनाना था तो उस तरीके में जब हमने बनाना चाहा तो हमने क्या कुछ इम्प्योरिटीज कहीं ना कहीं उसमें ऐड कर दी, तब उन इम्प्योरिटीज को हटाना या उनको सही करके हमें प्योरीफाई करना पड़ता है बिटू, इसी प्रोसेस को प्योरीफिकेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि हमें प्योरीफिकेशन की क्या जरूरत पड़ती है या क्यों करना पड़ता है। तो देखो बिटू, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्वायर्ड मिनिमम इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। बेटा हम हमेशा रिक्वायर्ड मिनिमम क्यों यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि 100% प्योरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत रेयर होता है 100% कि हम किसी चीज को 100% मतलब प्योरीफाई कर पाए। दिस इज जस्ट मतलब एक हाइपोथेटिकल आइडियल लिमिट होती है बेटा 100। सो अगेन हियर वी विल बी हैविंग थ्री मेथड्स। सबसे पहला मेथड देखो बेटा डायलिसिस।
बायो में या बच्चों ने कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा, सुना है क्या हमने? सर आर्टिफिशियल किडनी। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल किडनी कह लो या फिर यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कह सकते हो काइंड ऑफ। जहां से बेटा क्या होता है, मैं थोड़ा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन दिस मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इटसेल्फ यू कैन से बेटा। तो ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोलोइड यू कैन से। तो बेटा क्या होता है कि ब्लड से आपका जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है उनको रिमूव करके उसको वापस सेंड किया जाता है। सो व्हाट इज अ डायलाइजर, या बेटा अपने बायो में मशीन पढ़ते हैं जनरली, यदि किसी पर्सन की बेटा किडनी वर्क नहीं करती है देन इट कैन नॉट सेपरेट द वेस्ट सब्सटेंसेज, जनरली यूरिन से रिलेटेड कह सकते हो बेटा। तो इससे जो सब्सटेंसेज हमारे सेपरेट होते हैं यूरिया और रिलेटेड सब्सटेंसेज, जो वेस्ट मतलब बॉडी से बाहर जाना चाहिए, दैट इज नॉट एबल टू डन प्रॉपरली। तो डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज ऑफ किडनी, जो डॉक्टर्स रहते हैं बेटा वो इसको साइक्लिक वे में डायलिसिस प्रेफर करते हैं, कि हो सकता है क्या लेवल है डैमेज का, कितना सेपरेशन हो पाता है और कितने दिन में रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे फिर उसका फिल्टराइजेशन होता है, दैट इज डन बाय डायलाइजर, या बेटा कोई भी नाम बोलते होंगे मशीन का। सो दैट द प्रोसेस डायलिसिस ही होती है वहाँ पे। सो व्हाट इज दिस, इनडायरेक्टली सम हाउ दे फिल्टर दैट आउट, उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस जो उनका रहता है उसको रिमूव करते हैं और वांटेड सब्सटेंसेज को जाने देते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो बायो में शायद ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो आप बच्चे इस प्रोसेस को, डायलिसिस या डायलिसिस कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसकी, वो सारी चीज़ें आई होप तो बायो के बच्चों को अच्छे से पता होगी ये दोनों तीनों टर्म, ये खासकर ये टर्म। बट हमें नहीं भी आइडिया तो अभी थोड़ा सा बेटा देख लेंगे। वैसे मैंने बता दिया लगभग मोटा मोटा ऐसा ही होता है, वैसे मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं बायो का, तो बट मोटी मोटी ऐसा होता है ये चीज़ है ना। चलो बेटा आगे देखो। इन डायलिसिस कोलोइडल सॉल्यूशन इज मेड टू पास थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन। तो बेटा किया क्या जाता है कि कोलोइड को एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाया जाता है। तो अब होगा क्या, आप याद करो बेटा जब हमने सेपरेशन पढ़ा था दोनों का, तब हमने पढ़ा था कि एनिमल मेम्ब्रेन से कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। तो सिंस कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाएंगे। मतलब ऐसा समझो हमारे पास कोलोइड था, व्हाट इज कोलोइड, कोलोइड इज अ मिक्सचर ऑफ बेटा डीपी एंड डीएम, हम यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह डीपी डीएम यूज करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्वेंट डीएम डिस्पर्जन मीडियम बेटा। सो डीपी हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स टाइप से हो गए और सॉल्वेंट हो गया, जैसे ये कोलोइड पार्टिकल्स हो गए, कोलोइड पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेंगे, तो ये तो एक तरफ जाएंगे मेम्ब्रेन के और ये अलग चला जाएगा मेम्ब्रेन से। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसीजर। बात समझ आ रही है हमको? यस सर। अ वेरी सिंपल प्रोसीजर एनिमल मेम्ब्रेन से हम यूज करके पास करते हैं, जस्ट जस्ट अ फिल्टर मेथड बेटा बेसिक। बट हमारा ये तो मेथड था बेटा ठीक है, बट जनरली हम जो डायलिसिस सब टेक्निकल टर्म्स में जो होता है हमारे, उसमें बेटा इलेक्ट्रो डायलिसिस को प्रिफर किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है। सो और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होती है बेटा उसमें, बिकॉज दे रिक्वायर्स द सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ओनली। तो केवल इलेक्ट्रोडायलिसिस ही नहीं, हम अगला मेथड देखेंगे उसका भी कॉम्बिनेशन होता है जो मेडिकल डायलाइजर होते हैं बेटा उनमें, तो वो बात बाद में है क्योंकि वो आप बायो के बच्चों के काम आएगा। तो बेसिक बेसिक हम जनरल प्रोसेस से समझ रहे हैं बेटा या तो। सो डायलिसिस मेरे ख्याल से क्लियर है। क्या किया सर, कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, उसको एक एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाया, तो डिस्पर्जन फेज या मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स उससे पास ही नहीं होंगे, तो एक तरफ रह गए, बाकी पानी पानी या लिक्विड जो था वो पास हो गया उससे, वो दूसरी तरफ चला गया, तो आपके कोलोइड पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। दूसरा देखो बेटो, इलेक्ट्रोडायलिसिस एक सिंपल सी बात है, ये क्यों किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रो वर्ड देखो आ रहा है, तो डायलिसिस ही करते हो बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हो प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बेटा खुद से होता है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रो डायलिसिस यूज करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस प्रोसेस। कैसे, डायलिसिस इज अ स्लो मेथड, इट इज मेड फास्टर बाय दिस मेथड, तो इसकी हेल्प से बेटा इसको फास्ट बनाया जाता है। इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड्स, सॉरी बेटा, तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, देखो इधर एनोड है इधर कैथोड,
ये दोनों अप्लाई कर दिए हमने और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो पूरा सर्किट नहीं दिखाया गया, बस आपको आई होप आप समझ पाओगे कि यहाँ पे पूरा सर्किट होके ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और दो सिस्टम बना हुआ है एक तरह का कोई। तो अब क्या होगा बेटा, दीज आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइड सॉल्यूशन माइग्रेट, ठीक है, ऑन टू द अपोजिटली चार्ज्ड, एक सेकंड बेटा, आयंस माइग्रेट, ये बेटा अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ द डिजॉल्व सब्सटेंस इन द इम्प्योर कोलोइड इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बेटा देखो होता क्या है, समझते हैं हम, हमने क्या किया, ये मेथड याद करो, क्या इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे क्या ऊपर से एक्स्ट्रा? आ रहा बेटा समझ में? इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे तो वो तो हमने इम्प्योरिटी ऐड की, देखो कोलोइड बनाने के लिए। अब मान लो हमें इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने ये मेथड प्रिफर करते हैं, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। ये क्यों होता है बेटा, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो अपने सॉल्यूशन में यदि वाटर वगैरह में डालूंगा तो आयंस में टूट जाएगा बेटा। तो कोलोइड तो था ही इसमें, कोलोइड के साथ इम्प्योरिटी थी इलेक्ट्रोलाइट की। अब बेटा मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले रहा हूँ जो हम सबको पता है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोलाइट का काम करे, बट मैं जानबूझ के ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, बोलो ये। अब बेटा बताओ Na प्लस की तरफ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? सर कैथोड। हाँ ये तो बेटा पता है ना, देखो साफ लिखा हुआ नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आयंस आपके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बेटा इनका मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ फास्ट हो जाएगा और इस वजह से बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगे इससे। तो आई होप समझ आता है, डायलिसिस इज अ स्लो मेथड, इसको फास्ट बनाया जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस की हेल्प से। इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड्स, तो बेटा इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। डी द आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू अपोजिटली चार्ज, इसको भी बेटा डी कर लेना ना। The ions present in colloidal solution migrate opposed to oppositely charged electrodes. It is possible only if the dissolved contains impurity of electrolyte. मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे दोनों मेथड। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर। तो क्विकली लिखो फिर, फटाफट से जल्दी से लिख लो इनको। तेरा पूरा चैप्टर बस थ्योरी बचा है क्या? काइंड ऑफ कह सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स है बट वो थोड़े समझने के है और थोड़ा याद करने का भी है काइंड ऑफ। मतलब ये चैप्टर ऐसा है ना बेटा कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब रट्टा भी नहीं है। जैसे डायलिसिस यू कैन यूज योर ओन वर्ड, ध्यान क्या रखना है, एनिमल मेम्ब्रेन और कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करवाना है। अब फिर उसको दो से तीन लाइन आप अपने वर्ड्स में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या डिफरेंस आया कि इलेक्ट्रिसिटी यूज की इलेक्ट्रोड्स, व्हाट्स द डिफरेंस कि आयंस जो है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अब उसको फिर अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो, दैट्स इट। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं इस चैप्टर में ताकि उसको हम अपने खुद के वर्ड्स में ट्रांसलेट कर पाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये इलेक्ट्रोडायलिसिस सिर्फ
इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज निकाल पाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज तो निकाल नहीं पाएगा। नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल नहीं होगी इससे सेपरेट, बिल्कुल नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है बेटा, डायलाइजर से थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई, बाकी वो इससे नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, डायलिसिस से मतलब नॉर्मल एनिमल मेथड जो हमने यूज किया उससे थोड़ी बहुत हो सकती है तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती बिल्कुल। अब बोलो बेटा क्या बोल रहे हैं सर। फिर यूज क्या हुआ इसका जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज निकाल नहीं पाएगा तो? नहीं, अब बेटा देखो बात क्या है कि हमारे लिए एक एटलीस्ट ऐसा मेथड तो जो कम से कम इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी को तो निकालता है, हमें वो भी तो निकालने की जरूरत हो सकती है। यस तो एक वे है, जैसे हमने कई तरीके पढ़े कौन सी, अब जैसे इस मेथड से बेटा हम कोई भी कोलोइड बनाएंगे तो उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मेजर होगी? ऑब्वियस बात है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो एटलीस्ट क्या इसके बने हुए कोलोइड्स तो इसमें यूज हो ले सकते हैं हम प्रॉपरली इसको। यस सर, हर के लिए अलग अलग है, हम देखेंगे कि हर जैसे मेटल मेटलर्जी भी जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट मेटल्स के लिए आप देखोगे कि डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज होती है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए कॉमन भी आती है उसमें, तो ऐसा है कि जैसे इस कैटेगरी में जनरली हम इस मेथड को प्रिफर करते हैं क्योंकि इसमें इजीली वो प्रोसेस फास्ट और आसान हो जाती है। अब जैसे एक अगला मेथड देखेंगे स्पेसिफिक वाला, उसमें थोड़ा और बात क्लियर होगी कि स्पेसिफिक कोई इम्प्योरिटी वगैरह अटती है तो किस तरीके से अटती है। वी विल जस्ट सी दैट। लिख लिया हमने, पार्डन चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा मेथड देखो, दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, सॉरी व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा, ये थोड़ा सा एक बेटर मेथड होता है। फिल्ट्रेशन हम देख चुके डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल मेम्ब्रेन से, तो उससे काफी हद तक इम्प्योरिटीज खत्म होती है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक प्रोसेस फास्ट हो जाती है और एनिमल मेम्ब्रेन की हेल्प से भी इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट होती है, क्योंकि यदि जो कोलोइड साइज के पार्टिकल्स नहीं है इम्प्योरिटी में यदि, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स यदि कोलोइड से छोटे हैं तो वो इजिली सेपरेट हो जाते हैं बेटा इस मेथड में, क्योंकि वो एनिमल मेम्ब्रेन से पोर से चले जाएंगे दूसरी तरफ। बट वॉट हैपन्स समटाइम हमें कुछ स्पेसिफिक सब्सटांसेज को सेपरेट करना है, स्पेसिफिक टाइप के सब्सटांसेज को रिमूव करना है उसमें से, तो वी प्रिपेयर सम अल्ट्रा फिल्टर पेपर और स्पेशल फिल्टर पेपर्स प्रिपेयर करते हैं बेटा, और उस प्रोसेस को वी टर्म एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो स्पेसिफाइड प्रोसेस में यूज की जाती है, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, ऐसा समझ सकते हैं हम। क्या जैसे कि बेटा मान लो कोई भी एप्लीकेशन है किसी सब्सटेंस के कोलोइड से रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस करवानी है तो उसके लिए हमें हो सकता है स्पेशल फिल्टर पेपर ही डिजाइन करना पड़े, एक स्पेशल प्रोसेस डेवलप करनी पड़े, तो वो जनरली हम इस मेथड में फॉलो अप करते हैं। तो क्विकली देखते हैं बेटा कैसे होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूबल सोल्यूट्स मीन्स इम्प्योरिटीज यूजिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। सी बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस मेथड वी प्रिपेयर स्पेशल फिल्टर्स विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेज एक्सेप्ट द कोलोइड। तो बेटा वो जल लगभग सबके लिए परमिएबल होते हैं केवल कोलोइड के अलावा, मतलब जो भी सब्सटेंस हमें मेनली बनाना है वो कोलोइड के, जो हमें कोलोइड में चाहिए वो तो रहेगा और जो हटाना है वो हट जाएंगे, ऐसा कुछ हमें कर एक फिल्टर पेपर बना देते हैं हम। तो कैसे किया जाता है देखो इस चीज को। तो बेटा कोलोइडल पार्टिकल्स कैन यूजुअली पास थ्रू फिल्टर पेपर
एज देयर द पोर्स आर टू लार्ज। तो अब क्या बोल रहे हैं ये ध्यान से समझो। हमने भी पहले देखा था कि फिल्टर पेपर यदि हम लेंगे तो उससे कोलोइडल पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं, दूसरी तरफ इजीली चले जाते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि पोर्स बड़े होते हैं यहाँ के। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैन बी मेड बाई सॉकिंग द फिल्टर पेपर इन अ कोलोइडल सोल्यूशन। अब देखो बेटा क्या किया उन्होंने, ध्यान से समझो इस प्रोसेस को, समझो धीरे धीरे, और ये नेचुरल लाइफ में भी हम कर सकते हैं, कैसे, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर को कैसे बनाया जाता है देखते हैं बेटा। उसको क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर को एक कोलोइडल सोल्यूशन में डुबो के रख देते हैं बहुत टाइम तक। मतलब कोई फिल्टर पेपर लिया तुमने और तुमने कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उसमें फिल्टर पेपर को बहुत देर तक ऐसे डुबो के रखा, क्या होगा बताओ? क्या वो पूरा पूरा उसको सोख लेगा? जितना हो सकता है, मतलब उसको सोख लेगा बेटा पूरा, मतलब उससे भर जाएगा, मतलब ऐसा समझो ये जितना भर सकता है इसमें। अब हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल के हमने हार्ड होने दिया, और उसको हार्ड करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया। तो फॉर्मल्डिहाइड बेटा ऐसा समझो एक एक्स्ट्रा एजेंट टाइप से है जो हार्डनिंग में हेल्प करता है। एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। अब इसको बेटा हार्ड होने दिया, थोड़ा सा इसको निकाल गया, हार्ड होने दिया और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दिया इस पेपर को। एज दिस इज स्लो प्रोसेस, प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड टू स्पीड इट अप। मतलब ये प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, इसको सोक करने की है बेटा, सोखने की कैपेसिटी, तो समटाइम्स हम प्रेशर चेंज करके भी इसको इम्प्रूव कर देते हैं, प्रेशर चेंज करके इसको प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से। द कोलोइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर स्टर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम टू फॉर्म अ प्योर कोलोइड। अब लेट्स सी होता क्या है, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और चाहो तो सारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। मैं दो प्रैक्टिकल लाइफ के सिनारियो बताऊंगा आपको जहां ये चीज तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो, एक केस वन और केस टू करके देखते हैं बेटा, ठीक है? पहला टास्क है बेटा, हम इंक ले लें या फिर नील जो घर में आती है ना वो ले लें, उसको अच्छे से बेटा, मतलब प्योर, मतलब जो मेन होता है इसमें पानी वानी नहीं मिलाना तुम्हें, इसको क्या करो एक बड़े से बर्तन में निकालो। और फिल्टर पेपर हमारे पास नहीं हो तो भी चल जाएगा, तुम तो नॉर्मल कागज का टुकड़ा जैसे डाल दो इसमें, बड़ा पेपर डाल दो, एक थोड़ी देर पड़ा रहने दो उसे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मैं समझा रहा हूँ जो समझ में आ रहा है एक बार के लिए? यस सर। कि हमने बड़े से थोड़े, मतलब ऐसा समझो थोड़ा बड़ा सा फैलाई हुई है, मतलब थोड़ी जैसे नहीं होती थाली टाइप से किनोर वाली, उसमें तुमने एक पेपर रखा और उसमें थोड़ी सी इंक ले ली एक छोटी सी लेयर ताकि पेपर डूब जाए। फिर क्या करो, उस पेपर को बाहर निकाल के, थोड़ा टाइम हो जाए जब, उसको बाहर निकाल के ऐसे धूप में थोड़ा सुखा दो उसे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जैसे फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, लेट्स लीव दिस स्टेप, ये थोड़ा तेज करने में काम आएगी, प्रेशर वगैरह भी हम नहीं लगा सकते, सो लेट्स लीव दिस ऑल्सो, बट यू कैन सी दिस इन प्रैक्टिकल हैपनिंग। फिर क्या करो बेटा, इसको ड्राई करने के लिए रख दो। ड्राई होने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि इसको बाहर रख के इसे ड्राई होने दो, तो तुम्हें दिखेगा कि इसके ऊपर बिल्कुल इंक के तुम्हें सॉलिड पार्टिकल्स नजर आने लगेंगे। यू जस्ट ट्राई इट, और तुम उसको फिर थोड़े टाइम बाद झड़काओगे तो ये पार्टिकल्स से दाने दाने से झड़क जाएंगे। यू ऑल कैन ट्राई इट, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल। आ रहा है क्या समझ में? तुम्हें फील होता है कभी ऐसा हुआ है? नहीं किया होगा, नहीं हुआ होगा कभी? नोट घर पे, नोट या पैसे वगैरह किसी चीज में गिर जाते हैं तो धूप में सुखाते हैं तो थोड़ा हार्ड वगैरह हो जाते हैं, और उस पे मतलब हालांकि कोई इतने पार्टिकल्स नहीं होते तो पता नहीं चलता, बट भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है तो बेटा बिल्कुल इतने अलग अलग हो जाए। यू कैन ट्राई इट, यू कैन गिव इट अ ट्राई, है ना? यस सर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरे ख्याल से बेसिक करके बेटा होता है ऐसा, रियल लाइफ में हो जाता है, समझ में आएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ सिनारियो, पता नहीं तुम लोगों ने अभी ये नाम सुना होगा कि नहीं, चास जानते हो? सर, शुगर की बनती है ना? हाँ सर। चलो, रसगुल्ले की होती है ना? हाँ, रसगुल्ले में जो आती है, बिल्कुल रसगुल्ले आते हैं ना बेटा घर में, तो जो मीठा होता है और उसमें चाशनी होती है, बिल्कुल वो चाशनी, तो ये ट्राई कर सकते हो। देखो रसगुल्ले से ट्राई कर सकते हो, 100% बहुत बढ़िया,
तो चाशनी जैसे घर में बनते भी हो, रसगुल्ले की भी आती है साथ में। तो बेटा रसगुल्ले में जो पानी आता है वो चाशनी होता है काइंड ऑफ, तो जो रसगुल्ले का पानी आया ना उसमें भी सेम प्रोसेस करना बेटा। तुम ये कागज उसमें कोई पेपर वगैरह अच्छे से डुबो ना, उसको अच्छे से सोखने दो उसे, फिर बाहर निकाल के उसको ड्राई कर लेना। ड्राई करने के बाद तुम्हें चीनी के पार्टिकल्स दिख जाएंगे उसके ऊपर, उसको झड़काओगे तुम तो चीनी के पार्टिकल्स गिरेंगे मस्त एकदम। यू ऑल कैन ट्राई दिस ऑल्सो। बात समझे क्या तुम लोग? यस बातें समझ आ रही है क्या? तो बेटा देखो क्या हुआ, इसी प्रोसेस से क्या होता है कि जब ये सोख करता है बेटा, सोख रहा है तो ये लिक्विड वगैरह सोखेगा और साथ में सोल्यूट पार्टिकल्स को सोखेगा। अब इसमें पानी चारों तरफ है, ऊपर नीचे दोनों तरफ पानी है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो ऊपर सरफेस पे रह जाएंगे सरफेस फिनोमिनन से। और जल्दी जब इसको सुखा देते हो तो सरफेस पे सेपरेटली रह जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू डू। घर में आपके पास रसगुल्ले आए और चाशनी इनफ हो, यू कैन ट्राई दिस इजीली। यू ट्राई दिस, आपको चीनी, हाँ अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीनी मिल जाएगी इससे, है ना, ऐसा भी ना समझे, बट थोड़े बहुत पार्टिकल इजीली यू विल बी एबल टू सी। गेटिंग इट? तो मेरे ख्याल से बेटा समझ आया यस होगा। ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से अब इसके बाद प्रोसेस मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटा अपने आप, अपनी लैंग्वेज में चाहे लिखो। क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया एंड वी, जब जैसे कि ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, पेपर कैन बी मेड बाय सोकिंग फिल्टर पेपर। तो वी आप अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वी यूज ए फिल्टर पेपर एंड वी पुट दैट फिल्टर पेपर इन द सॉल्यूशन ऑफ द कोलोइड, देन इट विल सॉक द सॉल्यूशन एंड आफ्टर सम टाइम वी हार्ड इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फाइनली ड्राई इट। एंड एट द वंस इट इज ड्राइड वी कैन इजिली सेपरेट आउट द पार्टिकल्स कलेक्टेड ओवर इट एंड वी कैन अगेन मेड अ कोलोइड बाई मिक्सिंग इट विद द प्रॉपर सॉल्वेंट और डिस्पर्जन मीडियम। क्योंकि अब वो आ गए, जैसे चीनी आ गई, अब चीनी के पार्टिकल्स का दोबारा तुम्हें सोल्यूशन बनाना है तो तुम उसके पार्टिकल्स को पानी में डाल दो दोबारा इसको, तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें इम्प्योरिटीज कम होगी क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सेपरेट हुए, ऐसा समझो जैसे। थोड़ी बात समझे हम सर? फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? बेटा एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है ये, फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। IUPAC में इसको मिथेनल बोलते हैं। डोंट वरी, ऑर्गेनिक में सीखोगे ये सब, है ना। सो दिस इज मिथेनल इन IUPAC एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। तो अभी दिमाग मत लगाओ क्या होता है, बस ध्यान रखो क्या होता है ना। सो क्विकली इसको लिख लो। ये जस्ट मैंने प्रक्रिया से, चाशनी जो होती है बेटा वो हम मेनली इसको कोलोइड सॉल्यूशन वगैरह में नहीं गिनते, बट मैंने एक सिमिलर एनालॉजी दी है तुम्हें जिससे तुम प्रैक्टिकल करके देख सको कि कैसे ये पार्टिकल्स वगैरह सेपरेट होते हैं किसी पेपर से। हाँ, इंक प्रॉपर उसमें आता है, तो डोंट कंफ्यूज द सुगर सॉल्यूशन विद कोलोइड सॉल्यूशन, बट इसमें ऐसा देखने को मिल जाता है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल बताया है जस्ट कि हम चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं घर पे इस पैटर्न को समझने के लिए, इस फिनोमिनन को समझने के लिए। डन? यस सर। तो जल्दी से बिल्कुल राइट डाउन करो। सो सी, अब बेटा मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हुआ गया होगा कि कई बार स्पेसिफिक और तरीके, और ये तो हम तो चलो हमारे सिलेबस में बेटा दो तीन चार मेथड जैसे पार्ट है वो देख रहे हैं, इवन देर आर लॉट्स ऑफ अदर मेथड्स विच आर यूज फॉर दिस पर्पज। हम बस बेसिक बेसिक देख रहे हैं जितना हम हमारे इस लेवल पे बेटा समझ सकते हैं, बट देर आर ऑल्सो अदर मेथड्स ऑल्सो यूज फॉर ऑल दिस पर्पजेस।
एग्जिट डन, हो गया क्या? आगे बढ़े मैं कनेक्टेड तो हूँ ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स, सो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा बेटा ध्यान से देखो। अब हमने सारी चीजें देख ली, देखो बेटा बेसिक बेसिक सब ऐसे ही होती है। पहले हमने सीखा उसका फॉर्मेशन क्या है, फिर हमने सीखा कि उसको प्योरीफाई कैसे करें, मतलब और अच्छा कैसे बनाए, फिर पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके बाद लाइन आएगा फिर इसको खराब कैसे करना है ना, तो मतलब हाउ टू कोगुलेट और उसको पीपीटी कैसे बनाए। कोगुलेट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा कह सकते हो बेटा। तो ये सब फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम। तो ये एक छोटी सी चीज या प्रोसेस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। गुड, तो सबसे पहला आता है बेटा प्रॉपर्टीज में हेट्रोजीनियस नेचर। तो बेटा ये हम ऑलरेडी बात कर चुके, मतलब हेट्रोजीनियस मतलब का नेचर का मतलब क्या होता है, देर आर क्लियरली टू सेपरेट फेज या टू डिफरेंट स्टेट्स और वी कैन सेपरेट देम इजीली। सो कोलोइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। अब मुझे इसमें अलग से बेटा कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी नो, बस हमें पता होना चाहिए ऐसा है और इसके डेफिनेशन में भी आता है। सो आई होप दैट्स क्लियर बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, इट्स अ स्ट्रेंज एंड इम्पोर्टेंट वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशंस शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो। हाउ? इन फॉर्मेशन ऑफ कोलोइड्स द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन सॉल्यूशन, देयरफॉर दे कैन शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैसे होता है बेटा, मैं इसमें केवल मैक्रोमोलिकुलर का जैसे एग्जाम्पल लिया है, मैं दोनों का एग्जाम्पल लेके समझ, मल्टी मोलिक्यूलर समझो, और मैक्रोमोलिकुलर भी। इसमें क्या होता था बताओ जरा, याद है किसी को तो? एक से मतलब छोटे छोटे से बड़ा बनता था। हाँ, छोटे छोटे से बड़ा बनता था। तो बेटा सोचो, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो है कि एन पार्टिकल है मान लो बेटा, और एन मिलके यदि एक ही बना दे, तो क्या कोलोइडल एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड में फर्क होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, एसोसिएशन। ये किसका केस हो गया बेटा? एसोसिएशन का। आई होप यू रिमेम्बर वन टॉप फैक्टर, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी। यस सर। दूसरा देखो मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर में क्या होता था बेटा, एक बड़ा सा पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता था ऐसे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह से बेटा इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स। हमें कई बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इनकी देखने को मिलती है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है, तो इसलिए इस पॉइंट का अलग से जिक्र किया गया है कि दे शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन दिस रेस्पेक्ट। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों तरह के कोलोइड्स बनने देखने को मिलते हैं, एंड हेंस देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज।
गुड, आ गई बात समझ में? यस सर। चलो देखो, तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट। तो होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन देखो। वैसे छोटी क्लास में सबने पढ़ रखा है बेटा, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं ये फिनोमिनन। ऑन पासिंग लाइट थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब कभी भी हम, अच्छा बेटा फिजिक्स में इसके डेफिनेशन अलग तरीके से सीखेंगे, प्लीज डोंट कन्फ्यूज इट। फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तब सिखाएंगे आपको, बट केमिस्ट्री या कोलोइड्स के रेस्पेक्ट में हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो सर क्या हर जगह अलग अलग डेफिनेशन होती है फिनोमिनन की? नॉट रियली, बट बेटा यहाँ पे हम फिजिक्स के टर्म्स को ज़्यादा नहीं घुसा सकते हैं ना। तो अभी के लिए तुम्हें इतना ही सीखना है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, कि कोलोइडल सॉल्यूशन से हम किसी लाइट को पास करें तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, दिस वी कॉल एज टिंडल इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू केमिस्ट्री या कोलोइड्स बेटा। सो व्हाट इज दिस? इट अकर्स बेसिकली ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। बेटा स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। नाउ देर मे बी ए क्वेश्चन, व्हाट इज स्केटरिंग? तो इन शॉर्ट समझा देता हूँ बेटा कि लाइट का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है, ऐसा समझो। लाइट का ऑब्स्टेकल की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना है स्केटरिंग। अगेन स्केटरिंग इज अ सेपरेट टॉपिक, विल बी टेकन इन द फिजिक्स बेटा, है ना। तो अभी इन पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, व्हाट इज द मीनिंग, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और मेरे ख्याल से टिंडल इफेक्ट सबको आइडिया है भी हमें। अब दो बात आती है बेटा, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली, ये केवल तब होता है कब द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसको बेटा शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, कोलोइडल साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव अ लार्ज डिफरेंस। अब बेटा सी, ये पॉइंट आपको इस लेवल पे नहीं समझाया जा सकता, सो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, दिस वी विल लर्न इन फिजिक्स। क्योंकि हमें उसके लिए पहले फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझनी पड़ेगी, उनके डिफरेंस से क्या होगा वो समझना पड़ेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ अ सेपरेट चैप्टर। तो ये पॉइंट अभी इग्नोर करना, देर इज नो मीनिंग। लिखना चाहो तो लिखना, नहीं भी लिखो तो चलेगा, दिस विल बी डेल्ट इन द फिजिक्स। काम की चीज क्या है बेटा वो समझो। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? लाइट को कोलोइड से पास कराए तो उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। क्यों होता है ये? जनरली स्केटरिंग से होता है। और कब ऑब्जर्व होता है? जब कोलोइड साइज इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और सेकेंड कंडीशन और होती है, लिख लेना बेटा, लिख लो वैसे एक ध्यान में रखने के हिसाब से या कंप्लीशन के हिसाब से इस टॉपिक का। बाकी ये पॉइंट क्या है यू विल ऑटोमेटिकली, इवन मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं होगी, वंस वी विल स्टडी रे ऑप्टिक्स इन फिजिक्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो इसके लिए हमें इसको होल्ड ही करना पड़ेगा। और डोंट वरी, केमिस्ट्री में जनरली जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को यही बोला जाता है बेटा इस चीज को फिजिक्स में आप पढ़ोगे, दिस इज द टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, है ना। सो वी विल स्टडी दिस लेटर ऑन। बाकी किसी को कुछ पूछना है टिंडल इफेक्ट के बारे में तो बताओ। प्रैक्टिकल लाइफ सिनारियो में सबको बताता हूँ, सबको पहले भी बताया था। यदि कमरे में बेटा आपके कोई होल हो रहा है ऐसे दीवार में आर पार, और यदि उससे लाइट आ रही है, तो तुम्हें पार्ट उस लाइट का पाथ बकायदा विजिबल होता है, उसमें पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रोजेक्टर की लाइट देखी है किसी ने? तो बेटा यदि प्रोजेक्टर चलाया जाता है क्लासरूम में या कभी चला हो तो तुम देखना उसके लाइट का पाथ बकायदा विजिबल होता है मस्त एकदम, और उसमें पार्टिकल्स वार्टिकल्स सब दिखेंगे तुम्हें। होता है क्या ऐसा? यस सर। होता है, बिल्कुल होता है, ट्राई करना, बिल्कुल होगा बेटा। तो देट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो ये सब भी उसी में आते हैं, बट इससे ब्रॉड थिंग जो हमें कोलोइड्स के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखनी है, और ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्विकली बेटा इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से।
सर हाँ पूछो। ये समझ नहीं आया सर, द साइज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल वाला। ये समझ नहीं आया हमें, फिर बता देता हूँ बेटा। पहले लिख लो इसको, फिर बता देता हूँ। एक बार लिख लो सर। इसके लिए तुम्हें स्केटरिंग बतानी ही पड़ेगी। चलो बता देते हैं, थोड़ा सा समझ जाओगे। लिख लो फटाफट से लिखो। लिख लिया हमने। सर कोलेडोल के अलावा सर और कोई शो करता है सर टिंडल इफेक्ट? बेटा टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। नॉर्मल लाइफ में हमें प्रैक्टिकल इसके हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ें बताई तुम्हें, वो जो छोटा सा होल होता है उससे भी देखने को मिलता है। वजह क्या है वो थोड़ा फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये जब पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली व्हेन दीज कंडीशन सेटिस्फाई देन कोई भी चीज़ कर सकती है, ठीक है। यस सर। चलो बेटा देखते हैं इसको ना। सो व्हाट इज दिस? द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉरी ये वाला पार्ट। बेटा पहले मैं एक फिनोमिनन समझाता हूँ कि ये स्केटरिंग क्या है, उसको समझ आती है, समझ आ जाएगा ये पॉइंट बेटा। एक समझो एक बहुत बड़ी दीवार है और एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्लास टाइप से रखा हुआ है और मेरे पास एक बॉल है बेटा। मैं दीवार पे बॉल को फेंक के मारता हूँ, बताओ बॉल किधर जाएगी? दीवार पे फेंक के मारी, क्या वापस मेरी तरफ वापस अपोजिट आएगी? डायरेक्शन में? यस क्या मेरी तरफ ही आएगी वापस? मानते हो ऐसे दीवार पे फेंक के मारूंगा तो? यस सर। क्या ऐसा तो नहीं है कि दीवार तोड़ के उधर चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी? मोस्टली नॉट, वो वो सर मेरी तरफ ही आने वाली है। इस फिनोमिनन को बेटा बोला जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कॉल इट रिफ्लेक्शन। हम इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब किसी चीज़ को फेंका और वो उसी तरफ किसी कोई चीज़ टकरा के वापस उसी तरफ आती है, वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन। गुड। अब बेटा नेक्स्ट चीज देखो। नेक्स्ट एक गिलास रखा, मान लो तुमने किसी दोस्त को ऐसे जादू दिखाना चाह रहे थे, एक गिलास रखा तुमने साइड में थोड़ा सा दूर और तुमने इस गिलास पे बॉल फेंक के मारी, क्या अब बोल सकते बॉल किधर जाएगी? गिलास हल्का है, मतलब गिलास में कुछ है नहीं है, हल्का गिलास था बिल्कुल। क्या कोई भी बता सकता है बॉल किधर जाएगी? पर कहीं भी जा सकती है। कोई नहीं बता सकता। एक्चुअल में गिलास से टकरा के हो सकता है बॉल इधर जाए, हो सकता है हमारी तरफ आ जाए, हो सकता है इधर चली जाए गिलास से टकरा के, हो सकता है गिलास को पटक दे बॉल, मतलब गिलास गिर गया और आगे निकल जाए, हो सकता है गिलास से टकरा के गिलास इधर गया बॉल इधर गई। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल गोइंग इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन।
ये सब जब होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना फिक्स नहीं है, ए सब्सटेंस और ए थिंग कैन गो इन एनी डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, दिस फिनोमिनन वी कॉल एज स्केटरिंग। ये हम आगे डिटेल में फिजिक्स में सीखेंगे, अभी काम की चीज समझो कि जब किसी चीज के टकराने के बाद कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो बेटा हो क्या रहा है। सपोज करो तुम 100 बॉल फेंकी तुमने तुरंत तुरंत, मतलब फटाफट फटाफट, तो अल्टीमेटली वो रेंडमली सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हो सकता है ना कोई बॉल इधर आएगी, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो तुम्हें लगभग यस सब सर। तरफ बॉल्स दिखेंगी। तो जब ऐसा फिनोमिनन हो कि सब डायरेक्शंस में तुम्हें इफेक्ट नजर आ रहा है, वी कॉल इट स्केटरिंग। और ध्यान से देखो ये कब हो रहा है, जब जिस चीज से ये टकरा रहा है उसकी साइज लगभग लगभग इससे टकराने वाली चीज के सिमिलर साइज है तब हो रहा है, या बहुत बड़ी साइज है तब हो रहा है। सोचो, साइज जब ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होती है। तो बेटा एक्चुअल में स्केटरिंग होती है जब पार्टिकल्स की साइज या आपस में, जो कि लाइट आके देखो पार्टिकल से टकराती है, तो पार्टिकल्स की साइज जब ऑलमोस्ट वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी तभी हमें स्केटरिंग होगी और तभी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। आप सोचो यहाँ पे तुमने 1 रुपए का सिक्का रख दिया और उस पे बॉल से फेंक के मार रहे हो, अरे ऑब्वियस सी बात है बॉल पे वो सिक्के पे नहीं लगेगी, तो जब मैं मैक्सिमम चांस वो इधर ही जाएगी, बॉल आगे जाएगी, इससे ऐसा थोड़ी है उधर उधर चली जाएगी, नहीं आगे जाएगी। मोस्टली मोस्टली 1 और 2 टाइम्स हो सकता है सिक्के से लग के थोड़ा चेंज हो जाए। तो न तो बहुत छोटा न बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्डर होना चाहिए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए साइज में, देन वी सी स्केटरिंग, दैट्स वाई दिस पॉइंट इज गिवन। तो डू नॉट वरी, टिंडल इफेक्ट की फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में बात होगी बेटा जब पढ़ेंगे, और स्केटरिंग की, स्केटरिंग समझ जाओगे तो टिंडल इफेक्ट ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। गुड, यस सर, यस सर। चलिए तो बड़े आगे। चलो बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो बिटू, कलर। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी कहती है कि कोलोइडल पार्टिकल्स का कलर भी होता है। अच्छा ये कलर किस वजह से आया, तो बेटा स्केटरिंग की वजह से ही कलर का देखने को मिलता है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन शो कलर ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल साइज पार्टिकल्स। तो बेटा कोलोइडल साइज पार्टिकल्स होगी, उनकी वजह से आपको क्या होता है कि स्केटरिंग होती है, जो अभी हमने सीखा लाइट की स्केटरिंग होगी, टिंडल इफेक्ट दिखता है तो कलर भी विजिबल होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है बिटू कि कलर क्यों विजिबल होता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। द वेवलेंथ ऑफ कलर इमिटेड डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स। सो दिस इज द समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर कि ऑब्वियसली अभी जैसे बताया कि जैसे जैसे साइज होगी उसके अकॉर्डिंग स्केटरिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कलर देखने को मिलेंगे। द कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल मेड बाई रिफ्रेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। अगेन दिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, फिजिक्स में आगे आएगा, बट सिंस ये फिजिकल फिनोमिनन है, चैप्टर में है, तो हमें बताने पड़ रहे हैं, लिखना पड़ रहा है बेटा कंप्लीशन के लिए। फॉर द टाइम बिंग इग्नोर हाउ इट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड बाई रिफ्रेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट, दिस वी विल अगेन रीड इन द फिजिक्स। काम की बात क्या है कि सिंपली कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके साइज और नेचर पे डिपेंड करता है कोलोइडल पार्टिकल्स की। ये बिल्कुल कॉमन सेंस भी है, कैसे अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका बेटा, साइज से भी ज्यादा डेविएशन है साइज से तो हो सकता है स्केटरिंग कम हो ज्यादा हो, इस पे डिपेंड करता है ये। और साइज कैसे कलर डिसाइड करती है वो स्केटरिंग में सीखेंगे हम सारी चीज। गुड, सारे कोलाइडल यस सर। पार्टिकल्स प्रिज्म की तरह आप बताइए। नहीं, प्रिज्म की तरह नहीं होता बेटा, एक्चुअल में प्रिज्म अलग चीज है, प्रिज्म में बेटा डिस्पर्जन होता है, स्केटरिंग नहीं होती। डू नॉट कंफ्यूज स्केटरिंग विद डिस्पर्जन, है ना। ठीक है सर। हाँ, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म डिस्पर्जन करता है, चिंता मत करो बेटा। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है जिसमें ये सब पढ़ने वाले हैं हम, जब सेकंड बुक अभी टाइम है, बट रे ऑप्टिक्स नाम से चैप्टर आएगा हमारा, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, जहां हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, वहां आपको स्केटरिंग और डिस्पर्जन सब पढ़ाया जाएगा। एंड ट्रूली स्पीकिंग दैट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का।
बेटा समझ गए, आगे बढ़े, लिख लिया हमने ये, जल्दी से नोट करो, देन फिर अगला पॉइंट समझते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउनियन मोमेंट। ये थोड़ा पहले भी वर्ड आया था और अभी भी आ रहा है, तो देखो बेटा होता क्या है इसका मतलब। एक्चुअल में ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनियन मोशन जो होता है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, गैसेस स्टेट जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं बेटा 11th क्लास में। आई होप थोड़ा बहुत रिमेम्बर है हमें कि पार्टिकल्स गैस के जो होते हैं ना, वो रेंडम मोशन में होता है। ब्राउनियन मूवमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट दिस इज अ टाइप ऑफ रेंडम मोशन। रेंडम मूवमेंट है, पार्टिकल्स का रेंडम मोशन है बेटा। सो व्हाट्स ब्राउनियन मूवमेंट? इट्स अ जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मोशन वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज रेंडम मोशन। सो ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म, दीज टू टर्म्स आर इम्पोर्टेंट बेटा, ये याद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ आता है बेटा ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। आपका कोई भी पार्टिकल है कोलोइड्स, वो रेंडम मोशन में होता है, कोई फिक्स नहीं है, वो इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर इधर जितनी जगह है उसमें कहीं भी कैसे भी भाग सकता है। तो इस तरह का जो नॉट फिक्स टाइप का रेंडम टाइप का मूवमेंट होता है, that we call it as zigzag motion or brownian movement। किस पे डिपेंड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोलोइड, मतलब कोलोइड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज विस्कोसिटी? थोड़ा बहुत पुराने टाइम से याद हो, फ्रिक्शन इन वाटर। बिल्कुल बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन कितना है। सो विस्कोसिटी इज एक्चुअली फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे हमारे ग्राउंड पे या किसी चीज के चलने का फ्रिक्शन डिपेंडेंस होता है, वैसे ही फ्लूइड वगैरह में किसी के चलने का फ्रिक्शन डिपेंडेंस होता है। तो विस्कोसिटी इज एक्चुअली फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो ध्यान रखिए ये वर्ड कि फ्लूइड पे लगने वाला फ्रिक्शन होता है। विस्कोसिटी क्या है? एक तरफ का फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स इन फ्लूइड्स। साउंड कट रही है सर, साउंड कट रही है क्या? नो सर, अभी मैं रिजॉइन करता हूँ सर। हाँ बेटा अभी चेक करना है, यदि कटे तो बताना मुझे, क्विकली राइट करो बेटा इसे। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स, दैट्स इट। तुम्हें 4 लाइन उसमें फिर थोड़ा सा 3-4 लाइन बना के लिखो, तो एक डायग्राम बना दो छोटा सा, दैट्स इट, उतना सा करना होता है। 1 मार्क में पूछ सकते हैं, द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड और डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, या डिपेंड्स ऑन विच क्वान्टिटी, इस तरह से।
सडन डन मिसिंग। तो बेटा देखो इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, और कई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो वो एक एक मार्क्स में भी पूछ सकता है। 3 प्रॉपर्टी, 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मेरे ख्याल से हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज चार्ज ऑन कोलोइड्स बेटा, जो मैं बता रहा था कि अगले लेक्चर में पिछली बार बात की थी और आज स्टार्टिंग में बात की थी कि बेटा वॉट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ऑन कोलोइड्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मतलब यहाँ से हम 100% क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं इस चैप्टर से, जो अब थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे उस पार्ट से बेटा। सो रिलेटेड टू चार्ज और इससे रिलेटेड ही आगे की जितनी स्टडी, ऐसा समझ लो वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है मैक्सिमम, अपना कैटलिस्ट को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ से हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करते हैं चैप्टर में, तो अब इतना बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आओ बेटा समझते हैं कि मतलब क्या है कोलोइड पे चार्ज आने का बेटा, कि कोलोइड पे चार्ज होने का मीनिंग क्या है, तो इसको देखते हैं फटाफट से बेटा। कोलोइडल पार्टिकल्स इन कोलोइड कैरी सम चार्ज विच इज इक्वल एंड यूनिफॉर्म ऑन ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स। द चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। ए कोलोइडल सॉल्यूशन विल एडजॉर्ब ए कॉमन आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब क्या है बेटा, यहाँ दो एग्जाम्पल है, मैं आपको इन एग्जाम्पल्स को नीचे ले रहा हूँ, तो ये लिखे हुए हैं, आप ये मत लिखना, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाना, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 सेकेंड बेटा, हेलो जी, आ जाइए सर, आज तो आइए। ओके 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 सर, ओके सॉरी बेटा, चलो तो बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या बोला बिटू, AgCl इन AgNO3। तो बेटा AgI यहाँ पे कोलोइड है, ध्यान से समझना, और ये क्या हो जाएगा, आवाज आ रही है ना मेरी, ऐसा यस समझो ये बेटा आपका डी, ये आपका एक तरह से डीपी हो, सॉरी डीपी हो गया, और ये आपका डीए हो गया। समझ आ रही है क्या? यस सर। अब देखो क्या होगा बेटा, हम चार्ज कैसे डिसाइड करें, हम कैसे डिसाइड करें कि इस कोलोइडल पार्टिकल पे कैसा चार्ज है। तो ये लाइन देखो, ए कोलोइडल सॉल्यूशन विल एडजॉर्ब अ कॉमन आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो कोलोइडल पार्टिकल्स इन दोनों में कॉमन कौन सा आयन है बेटा, मान लो AgI को बीच में रखते हैं हम, है ना AgI। अब इनमें से देखो, इसमें एक सॉल्यूशन बेटा AgNO3 सॉल्यूशन में है, इसके दो टुकड़े कर लो, आप सबको दिख रहा होगा Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, दिख रहा क्या, क्लियर? यस सर। अब बताओ कोलोइड पार्टिकल्स और इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? एजी एजी दिख रहे हैं, तो इस कोलोइड के चारों तरफ बेटा एजी प्लस आके जमा होने लगते हैं, जो कॉमन होगा उसका एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे आके बैठ जाना बेटा। तो एजी प्लस इसकी सरफेस, एडजॉर्प्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको चारों तरफ से एजी प्लस इसे घेरना शुरू कर देंगे। तो बेटा सोचो कोलोइड्स के पार्टिकल्स को एजी प्लस यदि घेर लिए तो इन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बताए जरा। पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बोलने लगेंगे बेटा। इसी पे दूसरा एग्जांपल देखो, अब इसको शॉर्ट में निपटाएंगे जरा।
पार्टिकल्स तो एजीआई के ही थे, बट इसको आपने मिला दिया केआई के साथ में बेटा, केआई के सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, केआई साथ में मिला हुआ है। अब दोनों में से एजीआई तो है ही मेरे पास नेगेटिव, अब कौन से पार्टिकल इसके सरफेस पे आके जमेंगे? आई आयोडीन। मेरे साथ ख्याल से समझ आ रहा होगा, तो अब के बार इसको कैसा बोलूंगा मैं? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव। अब बेटा ध्यान दो एक बात पे, एक्चुअल में कोलोइड पे चार्ज कौन सा है वो डिपेंड करता है कि उसको किसके तरह के सॉल्यूशन में मिलाया गया है, ये डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको सिखाया अभी, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द एडजॉर्प्शन, क्योंकि ये लॉजिक है उसका। बट नेचर में बेटा क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी प्रिफर होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स जैसे एनसीईआरटी से लिया गया है बेटा स्क्रीनशॉट, जो हम याद कर सकते हैं कॉमन चीज़ें। तो नेचर में कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में एग्जिस्ट करती है, मतलब कि नेचर में है कि कुछ सोल ऐसे है जो हमेशा, कुछ कोलोइड ऐसे है जो पॉजिटिव के फॉर्म में बनता है, क्या हम उसे नेगेटिव नहीं बना सकते? हम चाहे तो बना सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट? मतलब क्या इधर सर, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज सोल, मतलब कॉपर का सोल लिखा हुआ है नेगेटिव है, तो क्या भी उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते? जैसे यहाँ सिल्वर लिखा हुआ है, ये सिल्वर का ही तो है, हम उसे नेगेटिव बना सकते हैं। बट इन नेचर वो कौन सी स्टेट में या कौन सी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल या खुद से एग्जिस्ट करता है बेटा, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, दैट इज गिवन हियर। तो ये हमें कोशिश करके याद करनी है। वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट वो मैं अभी बता दूंगा, वो तो याद करना ही है, बाकी अदर देन उसको सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखना है। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या हमें कोलोइड पार्टिकल्स किस तरह के सॉल्यूशन में है ये बता दे, तो चार्ज बता दोगे क्या उस पर कौन सा आएगा? Yes, sir. तो ये चीज सीखने की है सबसे पहले। तो बेटा सब बच्चे समझ पा रहे हैं, चार्ज बता पाओगे? व्हाट इज द चार्ज ऑन कोलोइड पार्टिकल्स इफ सॉल्यूशन, सब सिंपल दिया। करना क्या है, बहुत सिंपल चीज, जिसका सॉल्यूशन है साथ में उसके दो टुकड़े तोड़ के देख ले, साफ दिखता है यार एजी बेटा, एजी सिंपल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है बेटू, एजी एजी, तो बस सिंपल सिंपल एजी प्लस होगा तो एजी जी प्लस साइज, नाइन माइनस माइनस एजी माइनस, नेगेटिवली चार्ज तो नेगेटिव कोलोइड है ना। यस सर। अब ये बेटा इस पे हम अभी ये बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल अकरिंग थिंग, जो प्रैक्टिकल अकर करता है, और उसको एग्जाम्पल्स दिए है बुक ने कि देखो ये चीजें प्रैक्टिकल फॉर्म में ऐसे एकर करती है। तो पॉजिटिव चार्ज में देखो क्या दिया है बेटा, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, तो जो मेटालिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, मतलब आपको पता ही है वाटर साथ होगा उसके बेटा, तो Al2O3.XH2O, मतलब एल्यूमिनियम का जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स नेचर में मिलते हैं वो जनरली पॉजिटिव फॉर्म में मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, बेसिक डाई स्टफ्स एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड होता है, हीमोग्लोबिन, वी नीड टू रिमेम्बर दिस, ब्लड कह लो हीमोग्लोबिन कह सके ले हम, कैसा चार्ज होगा उस पे? पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड मिलता है। अब कोई हमें बोले क्या हम इसको नेगेटिव नहीं बना सकते, देयर मे बी सर्टेन वे जो बना सकते हैं, हम नहीं जानते, जैसे मुझे भी नहीं पता बेटा, बट हो सकता है बन सके, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, इट इज टोटली पॉसिबल कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव टाइप का भी बनाया जा सकता है, बट नेचर में या नॉर्मली वो कैसे अकर करते हैं दैट इज गिवन हियर। इसी तरह ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑल्सो फॉर्म पॉजिटिव चार्ज कोलोइड। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे देखो बेटा, तो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड मेटल्स के सोल, मेटालिक सल्फाइड्स, अब बेटा तुम्हें पूरे नाम याद नहीं करने, दिमाग में होना चाहिए, सल्फाइड्स नेगेटिव सोल बनाते हैं। एसिड डाई स्टफ्स एग्जाम्पल बेटा इओसिन कॉन्गोरेट सोल्स, अब देखो ये डाइज, ये बेटा डाइज क्या होते हैं, कलरफुल सब्सटेंसेज होते हैं, ये थोड़ा सा मतलब एक वो टाइप का है, तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, जो कलर्स वगैरह प्रोवाइड वगैरह करते हैं। डाइज के बारे में थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, अगेन प्रीवियस ईयर उसे रिमूव कर दिया गया था पूरे चैप्टर को ही, बट इफ दिस विल नॉट बी रिमूव वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन दैट चैप्टर। सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन क्ले चारकोल एटसेट्रा, तो इनके भी सॉल्यूशन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो कीप दीजिए उन सेकेंडरी प्रायोरिटी, बस जो मैंने सल्फाइड ऑक्साइड और हीमोग्लोबिन इनको तुरंत याद होनी चाहिए, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, रेस्ट यू कैन कीप ऑन सेकेंडरी प्रायोरिटी। मेरी बात समझ आ गई?
पहली बात तो बेटा देखो, या तो क्वेश्चन आएगा इससे कि इस पे कौन सा चार्ज है, सॉल्यूशन का टाइप बताए बिना कि किसमें उसे डुबोया है, तो ये नहीं बताया उसे किसमें डुबोया है तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना, रट्टा मारो जिंदाबाद है। मेरी बात समझ गए क्या? जैसे सपोज करो मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्लड फॉर्म्स विच टाइप ऑफ कोलोइड, विच टाइप कोलोइड, लेट से ऐसा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। अब वहां पे मैं बोल देता हूँ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज, कुछ भी, मतलब ऐसा चार ऑप्शन बना दिए तो आंसर आएगा पॉजिटिव। मतलब हमें कोई नहीं दे रखा उसको किसमें मिलाया क्या मिलाया, देन वी विल गो विद स्टैंडर्ड। बट क्वेश्चन यहीं पे तुम्हें पूछता है, ध्यान से समझना बेटा। जैसे कि मैंने ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल AGI, और इसी का ले ले जैसे मान लो KI, AGI इन KI, विच टाइप ऑफ कोलोइड चार्ज, क्या चार्ज कैसा होगा, फिर वो पूछता है बेटा विच टाइप ऑफ चार्ज विल बी देयर, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब चाहे मेटल्स तुम्हारे इसमें आते होंगे नेगेटिवली चार्ज में, अच्छा पॉजिटिव मतलब ये होता तो पॉजिटिव आंसर हो जाता, वैसे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही आ गया तो लकीली ठीक है बात है, बट जब किसी में मिक्स किया है ऐसा कुछ देंगे तो हम बेटा उसके हिसाब से सोचेंगे, भले हमें ये सिखाया गया है या हमने रटा हुआ है कि नहीं सिल्वर तो नेगेटिव आता है, बट यदि मैं ये पूछ लेता AgN AgNO3 तो कैसा आता आंसर। मेरे ख्याल से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट समझ आ रहा है तुम लोगों को, कि चार्ज कैसे डिसाइड करोगे। मोस्टली ये चीज बेटा कम पूछी जाएगी, इनमें से रटी हुई चीज में से आएगा, जैसे ICSE वाले बच्चे एक बार अपने बुक में भी देख लें, मैं किस तरह के टेबल में कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, बट अगेन बहुत सारा याद करने का होता है तो आई कीप दीज थिंग्स ऑन सेकेंडरी प्रायोरिटी, बाकी नॉर्मल हमें ऐसे पूछा जाएगा तो आई होप वी विल बी इजीली एबल टू आंसर व्हाट्स द चार्ज। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि चार्ज का मीनिंग क्या था, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कोगुलेशन में, कि उसकी एक लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ, तो वो आई थिंक अब थोड़ा समझ आ गया होगा कि चारों तरफ लेयर बनने का क्या मतलब है, और इस पे डिटेल्ड बात करेंगे। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, पहले इसको अभी मत लिखो, टेबल बाद में लिख लेना बेटा, ना घर से लिखना या फिर थोड़ा सा बुक से पढ़ पाओ तो बुक से याद कर लेना, अभी टाइम लगाओगे बहुत ज़्यादा, बस जो लिखा हुआ है फटाफट से उसको लिख लो, जल्दी से लिखो फटाफट। इसको याद रखना कि यदि सॉल्यूशन में दे दिया जाए तो कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, सो द आंसर इज इट एडजॉर्ब्स प्रिफरेंशियली द कॉमन आयन, तो कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है। हो गया बेटा, आगे बढ़े। अब सर बन एक छोटा सा वर्ड बेटा याद रखना, कॉमन आयन एडजॉर्ब होगा, तो कभी कोई क्वेश्चन आएगा कुछ भी घुमा के तो हम गलती नहीं करेंगे चार्ज पे, और ये तो कोई हेल्प ही नहीं कर सकता यदि किसमें है ये नहीं दे, तो फिर स्टैंडर्ड के साथ जाना पड़ेगा।
सडन हो गया और सबका भी। चलो बेटा देखते हैं, बेटा एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या हुआ बेटा? लास्ट स्लाइड दिखा दो सर एक बार। बेटा फटाफट से एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जब मैं अपलोड करूँ तो कंप्लीट करना। आगे बढ़ाता हूँ बेटा, अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचा है, लेट्स फिनिश दिस टॉपिक एट लीस्ट चार्ज। ठीक है चलो बेटा। वॉट इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर? वेन चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ कोलोइडल पार्टिकल इट अट्रैक्ट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम द सॉल्वेंट फॉर्मिंग अ लेयर ओवर इट्स सरफेस। ठीक है ध्यान से समझो बेटा क्या होता है, अच्छे से समझना। ठीक है हमने AgI को KI में डिपॉजिट कर दिया बेटा, मतलब KI को AgI के साथ में मिला दिया, तो होगा क्या ध्यान से देखना, अच्छे से समझ आएगा बेटा। पहले लेवल पे क्या होगा कि AgI को कौन आके सराउंड करेगा बताओ जरा। बिल्कुल बढ़िया, तो AgI को चारों तरफ से बेटा I माइनस आके इसे सराउंड कर लेते हैं। तो इन I माइनस को मैं ऐसे मिला दूं, सपोज करो कि इनको ऐसे मिला दे, तो एक लेयर टाइप की बनती है, एक ऐसे समझो कि एक स्फेरिकल या एक सरफेस टाइप की बनती है। तो इसको बेटा बोलेंगे हम फर्स्ट लेयर, ये जो बनी इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। अब देखो क्या होगा हमारे पास, ये I माइनस बन चुका बेटा। अब सॉल्यूशन में K प्लस ऐसे ही घूम रहा था, बट होगा क्या जब I माइनस गया है तो K प्लस के भी अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और K प्लस इसके चारों तरफ आके सराउंड कर लेता है, जो कॉमन नहीं है वो और इसके चारों तरफ आ जाता है ऐसे, ऐसे समझो। तो अब इनको मिलाने से जो लेयर बनेगी वी कॉल दैट सेकंड लेयर। क्या बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? इन शॉर्ट बेटा देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, AgI AgI के सराउंडिंग में एक जो लेयर है वो माइनस पहले माइनस माइनस ने बनाई, सो आई कैन मेक अ सर्कल लाइक दिस माइनस माइनस को मिलाते हुए माइनस चार्जेस का, और सेकंड लेयर प्लस चार्ज ने बनाई, तो आई कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस, ऐसे सराउंड करते हुए। एंड कंबाइंडली दीज टू लेयर्स, इसको और इसको कंबाइंड फॉर्म में बिटू वी कॉल इट इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अरे वापस समझा दो सर, मैं कुछ नहीं समझा। हाँ वापस बताता हूँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बेटा किसी भी कोलोइड पे चार्ज हम डिसाइड कर सकते हैं, मान लिया अब जैसे किसमें उसको डिबाया हमें पता है, जैसे किसमें उसको मिलाया है, तो मैंने बेटा AgI को KI में मिलाया, तो बेटा AgI को सबसे पहले कौन कवर करेगा K और I में से? क्या I कवर करेगा? आयोडीन। तो yes, I की वजह से बेटा एक पहली लेयर बनेगी और वो नेगेटिव चार्ज की होगी। अब I ने कवर कर दिया, द फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड, बट बेटा क्या होगा सॉल्यूशन में, अब K प्लस फ्रीली अवेलेबल है, तो ये I माइनस थोड़ा थोड़ा K प्लस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि माइनस तो है ही, तो ये K प्लस को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो K प्लस भी चारों तरफ आके एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकंड लेयर। इन दोनों लेयर्स को कंबाइंडली बोला जाता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि AgI पे पहले माइनस चार्ज की लेयर बनी और उसके चारों तरफ एक प्लस चार्ज की लेयर बन गई, और इनको कंबाइंड बोला गया इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लेयर? When charge is developed on a colloidal particle, it attracts oppositely charged ions from the solvent, forming a layer over its surface called double layer. Electric double layer, बेटा double layer, इस तरह से बोलते हैं ना? I hope ये समझ आ रहा है तुम लोगों को। तो electric double layer clear है हमें कैसे बनती है? Yes sir. Now it's a very simple term, please remember it, one mark favorite also, zeta potential.
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर, अच्छा इनको और नाम से भी बोला जाता है बेटा, जो फर्स्ट लेयर बनती है आपकी इसको फिक्स्ड लेयर भी बोलते हैं, फर्स्ट या फिक्स्ड लेयर, और जो सेकंड लेयर बनती है हमारी बेटा उसको डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑन अ कोलोइडल पार्टिकल इज टर्म्ड एज जीटा पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज है बेटा इन पे, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। सो वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फर्स्ट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट सेकेंड लेयर, इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। तो मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आ गई होगी। टेक्निकल टर्म में बेटा जीटा पोटेंशियल, बस नाम ध्यान रखना है, होता क्या है ध्यान रखना है, बाकी कोई काम नहीं आएगा ये हमारे। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ गया ना? Yes, sir. What's the electric double layer, yes, sir. कैसे बनती है और जीटा पोटेंशियल किसे बोलेंगे? डेफिनेशन के तौर पे हमें ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोली थी वैसे चार्ज ऑन कोलाइड पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बेटा इसे लिख लो, फिर जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा दैट वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास और अपकमिंग क्लास बेटा। तो जल्दी से इसको लिख के कंप्लीट करो। और समर वेकेशन बारे में होता क्या? अरे वो टाइम टेबल वगैरह आएगा, मैं डिटेल सेंड कर दूंगा, चिंता ना करो, है ना? सो नेक्स्ट वीक। हाँ नेक्स्ट वीक में बेटा, तो भूलना मत। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना मतलब मन होता है ना हमारे ब्रेक का। सर हॉलीडे वो करना है, दिन में सोना छूट गया है। अच्छी बात है, तो दिन में तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए। तो सर कभी तो सोना पड़ता है, रात में भी ना सोए दिन में ना सोए, कब सोए थे? बेटा टीवी सीरीज देखना बंद करो। सर ऐसे कैसे चलेगा? यही तो दिक्कत है ना बेटा हमारी, हमें पता ही नहीं कौन सी चीज प्रायोरिटी की है कौन सी नहीं है। वंस यू गेट सक्सेसफुल, एंटर इनटू गुड कॉलेज, गुड प्लेस, इवन आई विल शेयर माय आईडी पासवर्ड, आई हैव ऑलमोस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स, है ना, लीगली सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास, तो इवन इफ यू आर नॉट रेडी टू बाय आई विल शेयर माय डिटेल्स। सर कल किसने देखा है, कल हो रहा हो बेट, अभी ऐसे बेटा ये तो छोटी छोटी बातें होती है, देखो है ना, ये सब बहुत छोटी सोच रखते हैं ना उनके लिए है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू लीव एवरीथिंग, बट एटलीस्ट मेक अ इम्पैक्ट, यू डू नॉट अ प्रॉब्लम। आप देखो ना सब कुछ, देखो किसने मना किया है बेटा, बट ये सब चीजें लिमिट में होनी चाहिए ना। What is important at this level that should be preferred. और हम वो नहीं करेंगे तो ultimately it's going to hurt a lot in the end. कि कल किसी ने नहीं देखा ना, आगे क्या हो क्या पता, हम किसी successful position में ना और जिंदगी जी लिए ज़्यादा, तो फिर रोएंगे बैठ के कि काश उस time पे ये ना करते। तो ultimately it's relative totally, है ना? से पढ़ भी तो रहे। That's the problem. सर लिख लिया। लिख लिया? यस सर। यस सर डन। चलो बेटा, तो एक लेक्चर और बचता है, हो सकता है कि मैं एक क्लास इसकी और लूँ, इट मे बी ऑन मंडे, तो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे है ना हम, उसके बाद ही फिर आगे कंटिन्यू, मतलब छुट्टी वगैरह जो भी देना है उसके बाद फिर हम उसको डिसाइड करके बता देंगे। तो मैं आई विल सेंड द टाइम टेबल और कब तक क्या है वो भी मैं बता दूंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। और अगेन ध्यान दे और इसको कवर अप करे चीज़ों को, ये तो एटलीस्ट याद रखने का टॉपिक था, आई होप यू कैन डू दिस, और शायद से चीज़ें समझ भी आ रही होगी। जस्ट रिमेंबर इट, यस टेस्ट कब होगा, यदि 5-7 दिन की छुट्टी होती है तो जस्ट आफ्टर दैट, डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।